राम के नाम पर रामेश्वरम रामायण का एक जीवांत संस्मरण है। हमारे इंडियन ओशन में एक खूबसूरत द्वीप रामेश्वरम अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए साल भर टूरिस्ट्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। भारत के चार धामों में से एक और हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थानों में शामिल रामेश्वरम एक ऐसी जगह है जिसे कि आप अपने ट्रैवल बकेट लिस्ट में ज़रूर शामिल करिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे पाम्बन द्वीप स्थित रामेश्वरम में। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी, जैसे कि आपको वहां पर कैसे पहुंचना है, रहने और खाने के क्या क्या ऑप्शंस हैं, रामेश्वरम में घूमने और दर्शन करने की कौन कौन सी प्लेसेस हैं, और इस वीडियो के अंत में हम आपको बजट भी बताएंगे जिससे कि आप अपनी ये ट्रिप बिल्कुल ही परफेक्टली प्लान कर सकें। अगर बात करें रामेश्वरम घूमने के सबसे अच्छे समय की, तो मैं आपको बता दूं कि आपको रामेश्वरम या फिर साउथ इंडिया के और सभी सिटीज़ को अक्टूबर से अप्रैल के बीच घूमने का प्लान करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों के वक्त यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है और ह्यूमिड भी रहता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मॉनसून के टाइम पर भी यहाँ पर आ सकते हैं, उस समय आपको काफ़ी सुंदर व्यूज़ और ग्रीनरी देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो के फर्स्ट सेक्शन में बात करते हैं कि आपको रामेश्वरम पहुँचना कैसे है। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। रामेश्वरम में खुद का रेलवे स्टेशन है। अगर आपके शहर से यहाँ तक की डायरेक्ट ट्रेन है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप मदुरई या फिर चेन्नई एग्मोर स्टेशन आ सकते हैं। यहाँ से आपको रामेश्वरम के लिए डेली ट्रेन्स मिल जाएंगी। दोस्तों, ट्रेन से आने का एक और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप समुद्र के ऊपर बने हुए पाम्बन ब्रिज का एक्सपीरियंस ले सकेंगे। ये ब्रिज हमारे भारत का एकमात्र ऐसा ब्रिज है और यहाँ से दिखने वाले व्यूज़ आपको बहुत ही सुंदर लगेंगे। बहुत से लोगों के लिए ये अपने आप में एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है ये है बाई रोड का। अगर आप सड़क मार्ग से रामेश्वरम आना चाहते हैं तो यहाँ तक के लिए आपको काफ़ी अच्छे हाईवेज देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको मदुरई, कन्याकुमारी, रामानंदपुरम, त्रिचीपल्ली और आसपास के सभी शहरों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको ऑर्डिनरी और वॉल्वो दोनों टाइप की बस की सेवाएं यहां तक के लिए मिल जाएंगी। अगर दूरी की बात करें तो मदुरई से रामेश्वरम की दूरी 175 किलोमीटर है। अगर आप बस से मदुरई से रामेश्वरम आना चाहते हैं तो यहाँ की ऑर्डिनरी बस का किराया आपको 200 से सवा 200 रुपये तक लगता है और एसी बस का किराया 700 से 800 रुपये में आराम से मिल जाता है। इसके बाद जो तीसरा और आखिरी ऑप्शन है वो है बाई फ्लाइट। अगर आप हवाई मार्ग से रामेश्वरम आना चाहते हैं तो यहाँ का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो भी मदुरई का ही है, तो आप अपने शहर से मदुरई तक फ्लाइट से आकर वहाँ पर बस या टैक्सी बुक कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप रामेश्वरम आराम से पहुँच जाएंगे। चलिए दोस्तों, एक बार आप रामेश्वरम पहुंच गए तो वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में बात करते हैं कि आपको यहाँ पर रुकने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं और इसके अलावा खाने पीने के क्या क्या इंतज़ाम हैं। अगर बजट ऑप्शंस की बात करें तो आपको यहाँ पर बहुत सी धर्मशाला, लॉजेस और अच्छे होटल्स देखने को मिल जाते हैं। धर्मशाला में प्रति व्यक्ति एक बेड एक रात के हिसाब से आपको 200 से 250 रुपये पे करने होते हैं, और इसके अलावा अगर आप लॉज में रूम बुक करना चाहते हैं तो आपको 400 से 600 रुपए में एक अच्छा कमरा आराम से मिल जाएगा। अगर बजट होटल्स की बात करें तो आपको यहाँ पर प्रति रात के हिसाब से 800-900 रुपए से लेकर 2,000 से 2,500 रुपए तक के रूम्स आराम से मिल जाते हैं। इन सभी बजट प्राइवेट होटल्स को आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, जिससे कि आपको लास्ट मोमेंट परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रामेश्वरम के ज़्यादातर होटल, धर्मशाला और लॉजेस आपको जो रामेश्वरम का मेन मंदिर है उससे 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में मिल जाएंगे। अगर खाने पीने की बात करें तो आप मंदिर का जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से जो भोजन मिलता है वो खा सकते हैं। इसका टाइमिंग सुबह 11 से दोपहर 2 से 3 बजे तक का रहता है। इसके अलावा रामेश्वरम में आपको बहुत से साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ज़्यादातर हर जगह शाकाहारी भोजन आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप सी फूड खाना चाहते हैं तो कुछ जगह आपको वो ऑप्शन भी मिल जाता है। चलिए दोस्तों,
में बात करते हैं कि यहाँ पर दर्शन आपको कैसे करना है और इसके अलावा रामेश्वरम में और कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। रामेश्वरम में जो प्लेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है वो है श्री रामनाथ स्वामी मंदिर। दोस्तों, ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर के कॉरिडोर को देखकर आप हैरान रह जाएंगे और ये दुनिया का सबसे लंबा कॉरिडोर है। इसी मंदिर के बाहर एक अग्नि तीर्थम बना हुआ है जहाँ पर मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए। यहाँ का पानी शांत और साफ है तो आपको स्नान करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसी मान्यता है कि श्री राम जी जब रावण का वध करके आए थे तो वो भी यहीं पर स्नान किए थे। इसके बाद जब आप मंदिर परिसर में घुसते हैं तो फिर यहाँ पर आपको 22 कुंड देखने को मिलते हैं। हर कुंड के पास आपको यहाँ के ट्रस्ट के एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे जो कि आपके ऊपर एक एक करके सभी कुंड का पानी डाल देते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन कुंडों के पानी से स्नान करने के बाद आप अपने पापों से छुटकारा पा लेते हैं। यहीं पर आपको चेंजिंग रूम्स भी देखने को मिल जाते हैं। चलिए, इसके बाद आप प्रस्थान करिए मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। यहाँ पर आपको 2 शिवलिंग देखने को मिल जाते हैं। सीता जी के द्वारा रेत से बनाया हुआ शिवलिंग भी यहीं पर ही मौजूद है। दोस्तों, इस मंदिर में महाशिवरात्रि के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अगर नॉर्मल दिनों के टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर आप सुबह 4-4:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और फिर शाम 3 बजे से लेकर रात 8 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया रामेश्वरम का मुख्य मंदिर। इसके अलावा भी रामेश्वरम में और बहुत से मंदिर और टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। आइए उनके बारे में बात करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है पंचमुखी हनुमान मंदिर का। दोस्तों, पंचमुखी हनुमान मंदिर रामेश्वरम मंदिर से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर हनुमान जी के 5 रूपों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अंदर हनुमान जी की मूर्ति को सिंदूर से सजाया गया है। मंदिर के बाहर आपको तैरते हुए बहुत से पत्थर मिल जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि इन्हीं पत्थरों से रामायण काल में श्रीलंका के लिए पुल बनाया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस है वो है कोथरंदर रामास्वामी टेम्पल। दोस्तों, इस मंदिर को रावण के छोटे भाई विभीषण का निवास स्थान माना जाता है और ये चारों तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ये वही स्थान है जहाँ पर विभीषण ने भगवान राम की मदद के लिए उनसे हाथ मिलाया था। यहाँ पर आपको राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी की मूर्ति भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस है वो है कलाम नेशनल मेमोरियल। दोस्तों, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में ये मेमोरियल बनाया गया था। यही प्लेस उनका मूल निवास स्थान था और यहीं पर उनकी परवरिश हुई थी। इस घर को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पर आपको उनके जीवन से जुड़ी बहुत सी बातों का पता चलेगा। अगर आप साइंस में रुचि रखते हैं तो उनकी सफलताओं को बयान करते हुए यहाँ पर आपको बहुत से पुरस्कार और प्रमाण पत्र देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आप अरियमन बीच की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। सफेद रेत पर जब आप अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एक ऐसे सफर की अनुभूति होगी जो कभी ना खत्म होने वाला होगा। असीम सुंदरता के लिए मशहूर ये रामेश्वरम का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ की पानी की साफ व मचलती हुई लहरें जब आपके पैरों को स्पर्श करती हुई गुजरेंगी तो आपको एक अनोखा सा एहसास होगा। अब बढ़ते हैं अपने रामेश्वरम ट्रिप के आखिरी प्लेस की ओर, जिसका नाम है धनुषकोडी। दोस्तों, रामेश्वरम से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धनुषकोडी एक शानदार पर्यटन आकर्षण है जो कि रामेश्वरम के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। धनुषकोडी का नाम भगवान राम के धनुष पर रखा गया है। इस प्लेस के एक तरफ आपको इंडियन ओशन और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, एक समय पर धनुषकोडी एक बहुत ही समृद्ध शहर था, पर साल 1964 में आए भयंकर साइक्लोन ने इस शहर को नष्ट कर दिया। आज के समय में यहाँ पर कोई नहीं रहता है। यहाँ पर आपको बहुत से पुराने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, पोस्ट ऑफिसेस, रेलवे स्टेशन और लोगों के घर खंडहर के रूप में देखने को मिल जाएंगे। इस जगह को घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। यहाँ का रेलवे स्टेशन भी उसी साइक्लोन में नष्ट हो चुका है, इसलिए आपको यहाँ आने के लिए
ऑटो या फिर टैक्सी का सहारा लेना पड़ेगा। ये जगहें भारत और श्रीलंका के बीच भारत का आखिरी मेनलैंड है। यहीं से राम सेतु यानी कि एडम्स ब्रिज की शुरुआत होती है। ऐसा माना जाता है कि यही ब्रिज रामेश्वरम को श्रीलंका से जोड़ता है। दोस्तों, इस जगह से श्रीलंका की दूरी मात्र 30 से 32 किलोमीटर रह जाती है। यहाँ पर आने के बाद आपको एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आप अपनी रामेश्वरम की ट्रिप में यहाँ पर ज़रूर आइएगा।